अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया
व्यासी महाराज की ये हो। राधे राधे बोली वांके हरिलाल की जय 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 श्री राधेश। आइए आइए बांके बिहारी के चरणों में चलते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। सभी पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रदो छजे, रहे तो क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। अहि तो क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की भक्ति अहेतु की होना चाहिए, जिसमें कोई भगवान से मांग नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोय पावा और मोय कपट छल छिद्र न भावा। गोपाल क्या कहते हैं, मुझको कपट नहीं चाहिए, निर्मल मन वाले को ही मैं प्राप्त हो जाता। सबसे पहले बताया श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देजभुजश्च नित्यदा। भगवान की कथा श्याम सुंदर की कथा को नित्य सुनना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए। फिर भागवत कथा को सुनने के बाद क्या करें, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि आप सुनोगे सुनकर के मन में धारण करोगे तभी तो कीर्तन करोगे। और कीर्तन करोगे कीर्तव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा, और पूजन करके ध्यान करोगे भगवान के चरण कमलों का। तो भगवान कैसे हैं, जिनके सुंदर सुंदर नयन हैं, जिनके सुंदर नयन टेढ़ी टेढ़ी चितवन सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, हाथों में मुरली माथे पर मोर मुकुट। अभी गया ना मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। तो ध्येय पूजश्च नित्यदा, ध्यान करना चाहिए, नित्य पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार हर व्यक्ति नित्य शौचादि क्रियाएं करता है, भोजन करता है, शयन करता है, तो जैसे भोजन भी शरीर के लिए जरूरी है, नित्य क्रिया भी सारी जरूरी है, ठीक इसी प्रकार भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा को श्रवण करना, चाहे भले 5 मिनट सुनो 2 मिनट सुनो, लेकिन नित्य प्रति अपन को करना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे जब करते हैं ना उसमें मन लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, और सुंदर बात बताई, आप कभी पढ़ के तो देखो श्रीमद् भगवद गीता को, वेद वेदांतों का सार भरा पड़ा है महाराज। आपको संसार के किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप गीता जी का नित्य अध्ययन करते हैं तो आपकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हो सकती। आपको पता है क्या लिखा है गीता जी में, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बोला, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते।
ध्याय तो विषयान पुंसा, हम जिन विषयों का नित्य प्रति ध्यान करते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुभ जायते, उनकी संगत करने का मन हो जाता है। बोलो राधे राधे। अगर किसी एक बीड़ी पीने वाले की संगत कर लोगे तो आज नहीं तो कल आपको मन में तो एक बार लग ही जाएगा कि यार मैं भी तो एक सुट्टा लगा के देखूं, है ना, होता है ना। बोलो राधे राधे। अगर आप किसी भांग खाने वाले की संगत करने लग जाओगे, चिलम पीने वाले की संगत करने लग जाओगे, तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं वो बात आ जाएगी कि मुझको भी यह चीज करके तो एक बार देखना चाहिए, है ना, होता है कि नहीं होता। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुभ जायते, जब उसकी संगत करते हैं तो उसकी संग करने का मन होता है, और जैसा हमारा संग वाला व्यक्ति करता है ना, वही हमारा मन करने लग जाता है। अब ये नहीं पंडित जी ने कहा बीड़ी पीने वाले की संगत, चिलम लगाने वाले की संगत, अगर आप सत्संग करने वाले की संगत भी करोगे ना तो आपको संगत का असर भी आ जाएगा, क्योंकि संगत से गुण आते है और संगत से गुण जाए। पास पास की फिकरी एक नमोल बिका, वही बांस का झंडा अपन लगा करके खड़ा कर देते हैं, फोकट में ही तोड़ लाओ कितने बांस चाहिए आपको, और वही बांस की बांसुरी ले लो, हजारों हजारों रुपए की आती है महाराज, उसमें क्या रहता है, बांसी तो रहता है लेकिन संगत में पड़ जाती है। जहां जिस संगत में जो व्यक्ति पड़ जाता है ना, उसका उतना ही मोल हो जाता है। एक मूर्ति बनाने वाले ने राधे 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 राधे, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर दृष्टांत। एक मूर्ति बनाने वाले ने दो मूर्तियां बनाई। अब एक मूर्ति, दोनों मूर्ति सेम एक जैसी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, न देखने में न उनके बनावट में, एक जैसे कान, एक जैसे मुंह, एक जैसे हाथ, एक जैसे पूरा शरीर। बनाने समय कोई व्यक्ति आया, उन्होंने पूछा भैया ये मूर्ति कितने की है, तो उस बनाने वाले कारीगर ने बताया कि यह मूर्ति एक तो 1,000 की है और एक 10,000 की है। अब अपन कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, अच्छी तरह से ठोक बजा करके देख लेते हैं। तो बनाने वाले ने कहा भैया हमने खूब तरीके से देख लिया, दिखने में एक जैसी लगती है, स्वरूप भी एक जैसा है, तो इनमें अंतर क्यों, एक 1,000 की और एक 10,000 की। बनाने वाले ने कहा आप ही देखो ये अंतर, तो मैं नहीं बताने वाला। अब ऐसी कोई चीज आती है गांव बस्ती में या कहीं भी हो, तो 10 आदमी और एकत्रित हो जाते हैं कि भाई ऐसा इस मूर्ति में क्या है जो एक तो 1,000 की और एक 10,000 की। ध्यान से सुन, अब कोई पता नहीं कर पाया उसका, सारे लोग कोई कान में उंगली डालता है, कोई मुंह में उंगली डालता है, कोई बजा करके देखता है, कोई कुछ करता है, जिसको जैसा पड़ता है वो सब लोग उसको देख रहे हैं क्या आखिर अंतर क्या है, लेकिन किसी को कोई अंतर नहीं मिला। एक सत्संगी व्यक्ति गए, सत्संगी महात्मा पहुंचे, सत्संगी महात्मा ने जाकर के देखा, एक रस्सी ली, रस्सी को अपने हाथों से पट लिया और एक मूर्ति के कान में डालते हैं, तो एक मूर्ति के कान में डालते हैं तो इस पार से उस पार तक वो रस्सी निकल जाती है। संत महात्मा ने बताया भैया ये 1,000 की है ना, बनाने वाले कारीगर ने कहा हाँ जी आपने सही पहचान की। अब दूसरी मूर्ति के कान में जब वो सीख को डाला उनको रस्सी को, तो वो पूरी की पूरी अंदर चली जाती है। उन्होंने कहा ये लाख की है ना, उन्होंने कहा ठीक से पहचान लिया। तो
हम और आप लोगों में भी लाख रुपए के श्रोता भी बैठे हैं और हजार रुपए के भी श्रोता बैठे हैं। एक तो ऐसे होते हैं इस कान से सुनी और दूसरे कान से कथा निकाल दी। पंडित जी लोग कहते रहते हैं कोई मतलब नहीं इसका, कहते हैं ना। और दूसरे वो श्रोता होते हैं। श्रोता का मतलब क्या है? विद्यन्ते हृदयाग्रन्ति छिद्यन्ते सर्व संशया। जिस कथा को श्रवण करने से अपने हृदय की ग्रंथि फट जाए, भिद जाए, अपने कथा हृदय पट में उतर जाए, वही तो कथा सुनने का सुंदर तरीका है। ऐसे तो लाखों कथावाचक आते हैं, वही लीलावती, वही कलावती, वही दुशासन, वही भीम, वही अर्जुन, फिर आप नित्य प्रति कथाओं को क्यों सुनते हैं? रोज नई नए कथावाचकों को क्यों बुलवाते हैं? क्यों? क्या पता किस भगवान, किस ब्राह्मण की, किस कथावाचक की बात हमको अच्छी लगे, कौन सी बात हमारी समझ में आ जाए। तो भागवत में लिखा है विद्यन्ते हृदया ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशया। ऐसी भागवत कथा को श्रवण करते करते धीरे धीरे करके हमारे हृदय पटल में उतर जाए वो कथा, तब जाकर के हमारे मन का परिवर्तन हो जाए। जब अपने मन का परिवर्तन नहीं हुआ, अपने आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा? ऐसी कथाएं तो घर में टीवी लगा के चैनलों पर 24 घंटे चलती रहती है। दिन में सुनो, रात में सुनो, सुबह सुनो, शाम को सुनो। जिस कथा से आपके मन मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कोई उदार भाव उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान की भक्ति करने का मन नहीं लगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, वो कथा तो व्यर्थ है। जब तक वह कथा आपके हृदय पटल में उतर जाती है, तो छिद्यन्ते सर्व संशया, आपके मन में जितने भी संशय होते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। छियन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनि ईश्वरे। जिस प्रकार हजारों कुंटल रुई का पहाड़ लगा हुआ हो और अगर हजारों कुंटल रुई के पहाड़ को माचिस की छोटी सी तीली जला करके भस्म कर देती है ना, निहार एव भास्कर। ठीक उसी प्रकार से भागवत कथा को अगर आप सच्चे मन से सुनोगे, उसकी कथा को अपने अंदर हृदय पटल में उतार लोगे, तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से कहते हैं सूत जी महाराज, प्रभु वासुदेव परावेला, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। तो हमारे भाइयों को भी चाहिए कि वासुदेव ही तो परम वेद है, वासुदेव ही परम ज्ञान है, वासुदेव ही परम तपस्या है और वासुदेव ही परम गति है। बिना वासुदेव के संसार में और कोई दूसरा नहीं है। पहले के व्यक्ति जब घर में खेत में हल चलाते, घर में कोई अच्छा काम करते, सबसे पहले भगवान का स्मरण करते थे। चलो भगवान की पूजा हो जाए, मैयाएं नित्य प्रति देवियां झाड़ू लगाती थी, तो झाड़ू लगाते लगाते गीत गाती थी, है ना, बुहारते समय गीत गाती थी ना। और अब तो फिल्मी गाने लगा लेती हैं। बोलो राधे राधे, लगाती है ना, टीवी लगा ली, मोबाइल चला लिया, गाने चला दिए और झाड़ू लग रहे हैं। पहले मैया ऐसा नहीं करती थी। घर की देवियां क्या करती थी? सुबह भोर होते ही जगती थी, सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। और माताओं के द्वारा ही सारे शतक विचार आते हैं, क्यों? घर की माता ही प्रथम गुरु मानी गई है।
अब माता झाड़ू लगाते समय फिल्मी सॉन्ग लगाएगी तो बेटा हरे कृष्ण हरे रामा नहीं बच सकता कभी। फिर तो वो भी ठुमका लगाने का मन करेगा, है ना? बोलो राधे राधे। ईमानदारी से आपसे एक बात पूछे, सच बताएंगी, कौन सी मैया ऐसी है जो झाड़ू लगाते समय भोजन बनाते समय भगवान का भजन करती है? ईमानदारी से हाथ उठा दी, ईमानदारी से। एक ही मैया है बस पूरी बस में। देखो शबरी कर रही रास्ता साफ, शाम मेरे कब घर आ रही है ना? गाती है ना? क्यों गाती है? क्योंकि काम कोई भी करो, भगवान पे अर्पण होकर के इस काम को करोगे तो आपका काम काम नहीं रहेगा, भगवान की सेवा हो जाएगी। आप भोजन पका रही हो ना, आप भोजन पकाते पकाते ये सोचो, मैं अपने पति के लिए नहीं बना रही, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं बना रही, मैं तो भगवान का भोग बनाने के लिए भोजन बना रही हूँ। तो आपका वह भोजन भोजन नहीं रहेगा, भगवान का भोग लग करके प्रसाद हो जाएगा। आपका वो झाड़ू पोछा लगाने वाला मैया तो कहती है, अच्छा मुझको तो घर की नौकरानी बना रखा है, तुम्हारा दिन भर झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, बर्तन साफ करूं, कहीं घुमाने फिराने तो ले नहीं जाते। पता है पड़ोसन ने कल ही एक नई साड़ी मंगवाई है, तुम मेरे लिए कुछ लाए क्या? सबसे बड़ा टंटा हमारे भैया लोगों का है, अगर पड़ोसी के घर में कोई चीज आ गई ना तो या तो लेके आ जाओ, नहीं तो खटपट शुरू हो जाती है ना। लेकिन हमारी देवियां यहाँ की ऐसी नहीं है, हमने देख लिया, सारे काम में कुशल हैं, बिल्कुल कोई कमी है ही नहीं। बोल राधे राधे। क्योंकि हमारी कथा सुनने के लिए देवियां आई हैं ना, और इनकी अगर हम कुछ ऊंच नीच बात करेंगे ना तो कल से ये भी नहीं आएंगे, हम किसको कथा सुनाएंगे? इसीलिए हमारी देवी बहुत अच्छी है। बोल राधे राधे। तो वासुदेवा परम ज्ञानम, वासुदेवा परम तप, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा पराक्रिया, वासुदेवा परम गति। बिना वासुदेव के संसार में कुछ नहीं। जलचर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, जगत प्राणी को, प्राणी मात्र को मैं भगवान सीताराम के स्वरूप जान करके प्रणाम करता हूँ। जान जोर जुग पानी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन नहीं किसी को मानते। अभी अगर हमारी देवी से नई नई बहू आई, उससे कोई गलती हो जाती है ना तो सास डंडा लेके खड़ी हो जाती है, तेरे बाप ने तो ना सिखाया तुझे कैसे रहो जावे घर में। और बस जैसे ही सास सास बन गई तो फिर बहू भी सास बहू बन जाती है, फिर बहू को बहू बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। क्या लगता है, सास ने अपने बाप मैया की बात सुनी कही तो बहू तो फिर पूरी बहू बन जाती है। देखो बहू की अभी डिग्रियां होती है, जब पहले पहले बहू का विवाह होता है, बेटे का विवाह बहू आई तो पहले चंद्रमुखी लगती है, है ना? होती है ना, सब लोग मौत ग्रहणी करने आते हैं बहू का, करने आते हैं ना। ये परंपरा हमारे प्राचीन समय संस्कृति से चली आ रही है, मौत ग्रहणी करने की। शादी हुई, नई बहू आई तो मौत ग्रहणी देंगे, सब लोग पर्दा उठा करके मौत देखेंगे और उसको भेंट में कुछ देते हैं ना, अरे चंदासी बहू है, भलैया ले लो जाके।
अब जब तक बहू है मलैया ले रही है चंदासी है तब तक तक कोई बात नहीं, लेकिन चंदासी बहू कब तक रहती है? एक महीने तक। बोलो राधे राधे। और एक महीने के बाद वही बहू चंदा से मुखवाली होती है ना, वही सूरजमुखी हो जाती है। अब सूरजमुखी हो जाती है तो क्या होता है? सूरज के पास कोई जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता ना। तो जो चंदा से मुख को देखने जाती है, बलैया लेती है, वही सास, वही जिठानी, वही ननद उससे दूर दूर भागने लगती है। अरे ठीक है ठीक है, वो जैसा कर रही कर ले दो, नहीं तो अभी और चढ़ जाएगी, है ना। और एक महीने तक तो कोई बात नहीं, चंद्रमुखी से सूरजमुखी होती है तब तक पति की सेवा तो कम से कम करती है देवी, है ना। सास की नहीं मानेगी कोई बात नहीं, ससुर के ध्यान नहीं रखेगी कोई बात नहीं, लेकिन एक अपने पति का तो बढ़िया अच्छी तरह ध्यान रखती है। एक महीने जो एक महीना हुआ पति की सेवा हुई और धीरे धीरे करके जब एक साल होती है तो वो सूरजमुखी में से ज्वालामुखी बन जाती है। बोलो राधे राधे, है ना। और ज्वालामुखी कैसी होती जानते हैं? ज्वालामुखी धधकती हुई अग्नि तो उसको देख करके डर जाए, है ना, होता है ना। अभी तक तो एक महीना हुआ था तब तक तो पति को सुंदर भोजन बना के खिला रही है, है पति देव काम से ऐसे आए नौकरी करके आए, वो आते से उनको पानी ले आई, लो पानी पी लो, उनके कपड़े उठा करके बढ़िया झाड़ करके रख दिए टांग दिए। और जब एक साल बात हो जाता है ना महाराज, वही पत्नी जो चंद्रमुखी आई थी पानी पीने में संकोच कर रही थी, हमसे वार्तालाप करने में शर्मा रही थी, वही देवी आज ज्वालामुखी बन जाती है। तो क्या होता है? अच्छा पानी ना पी सके अपने हाथ से, तुम्हारे टूट गए हैं क्या? ले लो उठ करके, तुम्हें दिख रहा ना मैं लालाएं रख रही हूँ, बच्चा को रख रही हूँ। और वही चंदामुखी सूरजमुखी देवी आज ऐसी हो जाती है, अरे एक काम तो अपने ढंग से अपने मन से कर लिया करो, मैं अकेली नौकरानी की तरह लगी रहती हूँ, सास तुमको दिखता नहीं है क्या? तो सबको चाहिए कि अपने कार्य को समुचित रूप से करें, है ना। सास भी अगर सास बनती है तो उसको सास बनने से पहले एक माँ बनना चाहिए। अगर वही सास माँ बन करके अपनी बहू को पुत्री के तरह लाड़ प्यार करेगी, पुत्री के तरह उसको अपने घर में रखेगी, तो संसार की कोई ऐसी बहू नहीं है जो अपनी सास को धुतकार देगी, अपने ससुर को धुतकार देगी। किसी एक हाल की मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर उससे अपन को लाड़ प्यार चाहिए तो जिस प्रकार अपनी पुत्री की सारी बातों को अपन ध्यान में रखते हुए अपनी पुत्री का पालन पोषण करते हैं, पुत्री को समुचित सुंदर वस्त्र ला करके देते हैं, सुंदर उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और हमारी पुत्री अकेली काम कर रही है ऐसा भी नहीं करते, अरे सुबह से लग रही बेचारी तू उसका थोड़ा सहयोग कर दे, लेकिन बहू सुबह से शाम तक लग रही उसका कोई मेहनत का जवाब नहीं, तब तो वो चंद्रमुखी से सूरजमुखी बनती है और सूरजमुखी से राधे राधे ज्वालामुखी बन जाती है ना। तो सबको अपनी अपनी वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, जो जिसका कर्म है उस कर्म को समुचित रूप से करेगा ना तो घर परिवार में भी कोई क्लेश नहीं हो सकता, संसार में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो सकता। संगस्ते सूप जायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। और जब क्रोध उत्पन्न होता है ना तो दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपको मनमुखी बात नहीं बता रहा, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की बात बता रहा हूँ। क्रोधात भवत सम्मोहो सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति।
जिसको क्रोध आता है ना, क्रोध से उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। क्रोधात् भवत् सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो। जिसकी स्मृति भ्रमित हो गई उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, तो उसको ये ध्यान नहीं रहता कि सामने वाला व्यक्ति मेरा पिता है, सामने वाला व्यक्ति मेरी माता है, या सामने वाला व्यक्ति मेरा बड़ा भाई है, या सामने वाला व्यक्ति मेरा पूजनीय है। क्रोध के आवेश में वो ऐसा भूल जाता है, मनमाने ढंग से उसको अब शब्द बोलता है, उसका तिरस्कार कर देता है, उसका अपमान कर देता है। और जब वो देखता है कि अरे ये मेरा अपमान करता है तो मैं इसका क्यों कह रहा हूँ, तो वो भी इसको जवाब दे देता है। और जवाब जवाब में महाराज लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई हो जाती है महाराज सगे खास भाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, और उनका फैसला भाई भाई नहीं कर सकते, माता पिता पर नहीं होता, उनका फैसला फिर सरकार करती है। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? क्योंकि अपनी संगत अच्छी नहीं है। अगर संगत अच्छी करोगे, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। मस्ती के साथ तू यजन कर ले, मस्ती के साथ तू यजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। ओ संगत
मिल जाएगी कभी लोगों की जिंदगी को अपनी चमन दे, जिंदगी को अपनी चमन दे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। उनको भी करना चाहिए कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, सोते हैं, गाते हैं, जाते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा अगर नित्य प्रति भजन करेगा तो उसके संगत से उसका भजन बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके। आज एक माला की, महीने भर में दो माला करने का मन करेगा और 10 महीने में, 1 साल में 5 माला हो जाएगी। और जब 5 माला हो जाएगी तो धीरे धीरे करके उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ोतरी हो जाएगी आपके मन में भी वह बात आ जाएगी, तो अंते मति सगति, क्या पता कब कौन सी क्षण, कौन सा समय अपना अंतिम होगा, और अंतिम समय में अगर मेरे गोविंद का नाम आ जाएगा तो उसकी गति हो जाती है, होती है कि नहीं होती। तो रोज थोड़ा थोड़ा, जरूरी नहीं है 1 घंटे करो, अगर एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य, तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधा भी समय नहीं है तो आधी में पुण्य, आधी की भी आधी कर दीजिए। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, संतों की संगत, अच्छी संगत आपको एक न एक दिन अच्छे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देती है। तो जो 6 प्रश्न पूछे गए उसके अभाव में श्री सूत जी महाराज शांताद कृष्ण को बताते हैं, देवस्य वसुदेवस्य देवक्यां जातो यस्य चिकीर्षया, भगवान जन्म लेने से पहले वह ईश्वर है, भगवान का नाम क्या है, ईश्वर, और ईश्वर कौन का होता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा ईश्वर, जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, वही तो ईश्वर है। तो हे ऋषियों, जो जो प्रभु सब कुछ करते कुछ नहीं करता, तो क्या वो जन्म लेने से हम और आपसे पूछने आएगा, भैया वेदों में मेरा नाम अजन्मा है, मैं जन्म लू या नहीं लू, या मैंने जन्म ले लिया तो मेरा वेदों में से नाम हटा दो अजन्मा। अरे सब कुछ करने में जो समर्थ है वही तो ईश्वर है। देवर्षि नारद जी ने तो कह दिया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। तो भगवान तो चाहे तो जन्म ले सकते हैं और चाहे तो जन्म नहीं ले, उनकी इच्छा। इस प्रकार जो पहला प्रश्न किया कि कल्याण का मार्ग क्या है, तो बताया भगवान की भक्ति ही कल्याण का मार्ग है, अहेतुक क्या प्रतिहता, उसमें कोई प्रकार की याचना नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होना चाहिए, दूसरी किसको पूजे। तब बताया भगवान श्याम सुंदर का आराधना करना चाहिए, मेरे गोविंद की आराधना करके संसार से भवसागर से मुक्त हो जाता है। तीसरा जब आपने पूछा कि भगवान का अजन्मा नाम क्यों हुआ, तो ईश्वर है वह तो जन्म लेने तो ले ले, नहीं ले तो नहीं ले, उनकी इच्छा, स्वच्छंद गति है भगवान। चौथा प्रश्न आपने किया कि भगवान के जन्म हुए, अवतार हुए तो कितने हुए, तब कहते हैं भगवान के जो अवतार हुए ना मुख्य रूप से तो हे राजन भगवान के 24 अवतार हुए। ध्यान से सुनना, 24 अवतार कौन से कौन से, कौमारम सर्गमास्थितः
सबसे पहला प्रभु का जन्म हुआ कुमार के रूप में हुआ। शनक शनंदन सनातन और शनत कुमार चारों भाइयों के रूप में हुआ। दूसरा जन्म भगवान का जब धरती रसातल में चली गई, हिरण्याक्ष नाम का राक्षस ले गया, तो उसका उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु ने बराहा रूप धारण किया था, शुक्र का रूप धारण किया, दूसरा जन्म था। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथे अवतार में मेरे प्रभु ने लीला धाम करते हुए एक असुर थे महिषासुर, उसको मारने के लिए भगवान ने नरनारायण का अवतार लिया, उनको वरदान था कि भगवान को तीन जन्म लेने पड़ेंगे उनको मारने के लिए, तो दो राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने तीन अवतार लिए उन राक्षसों को मारने के लिए। एक में नरनारायण हुए, दूसरे जन्म में वही कृष्ण और अर्जुन हुए, ऐसे भगवान ने अवतार लिए। तो नरनारायण का अवतार हुआ। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव जी का हुआ, जिन्होंने माता देवती को सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश किया। छठवा अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ। सातवा अवतार भगवान प्रभु ने पृथु के द्वारा यज्ञ अवतार लिया। आठवें अवतार में भगवान का जन्म ऋषभ देव के रूप में हुआ। नौवें अवतार में पृथु का अवतार हुआ। दसवें अवतार में भगवान मत्स्य का ऊपर हुआ। ग्यारहवें अवतार भगवान कच्छप का लिया। बारहवें अवतार में स्वयं भगवान धन्वंतरी बनकर के समुद्र के बीचों बीच अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हो गए। तेरहवा अवतार भगवान का देवता और असुरों को अमृत पान करने के लिए मोहिनी का धारण किया। चौदहवें अवतार ने भगवान श्याम सुंदर ने ऐसी कृपा की भक्त प्रहलाद पर, जिसके स्वरूप जिसके कारण भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। चौदह नंबर का अवतार है। पंद्रहवें अवतार में भगवान श्याम सुंदर ने छोटे से भटुक मामन बनकर के राजा बलि से तीन पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। सोलवा अवतार परशुराम जी का हुआ, जिन्होंने क्षत्रिय वंश को 21 बार भीन कर दिया पृथ्वी को। अच्छा, ऐसा नहीं सभी क्षत्रियों को मारा था उन्होंने, है नाम के जो क्षत्रिय थे मात्र उनका ही संहार किया था। अठारहवें अवतार में मेरे भगवान प्रभु राम जी का अवतार हुआ। उन्नीसवा अवतार बलराम जी का। बीसवा अवतार मेरे कृष्ण कन्हैया का होता है। 21वां अवतार हरि अवतार। 22वां हंसा अवतार। 23वां अवतार बुद्ध भगवान का अवतार। और 24वां कल्कि अवतार। बोलो राधे राधे। इन सब अवतारों की कथा आपको सविस्तार से सुनाई जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित व्यास जी ने इस प्रकार से एक बार की बात, व्यास जी महाराज बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, वेद वेदांतों को लिख रहे थे। वेदांतों को लिखते लिखते उन्होंने 17 पुराण बना दिए, एक शास्त्र के 6 शास्त्र कर दिए, एक वेद के 4 वेद किए, 4 वेदों में 6 शास्त्र किए, 6 शास्त्र में से 17 पुराण लिख दिए। और 17 प्राण लिखने के बाद भी व्यास जी महाराज का मन अतृप्त था, चिंता में थे, क्या करूं, मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली इतना लिखने के बाद भी। तो वहीं पर देवर्षि नारद जी का आगमन हो जाता है, क्योंकि भगवान को कोई लीला करनी होती ना, देवर्षि नारद हो जाते हैं। देवर्षि नारद बोलते हैं, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरम् आत्ममानसैववा। हे पाराशर जी महाराज, आप इतने उदास क्यों बैठे, क्या बात है? तब व्यास जी बोलते हैं, हे देवर्षि, मैं क्या बताऊं, मैंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 4 वेद के 6 शास्त्र बना दिए, 6 शास्त्रों में से 17 प्राणों की रचना कर दी।
18वां पुराण मैंने महाभारत भी लिख करके पंचम वेद महाभारत भी लिख करके तैयार कर दिया, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, भगवान आपने जितने वेद लिखे पुराण लिखे हैं आपने, तो आपने सबके सब लिख दिए, लेकिन इसमें भगवान की कोई ऐसी लीला माधुरी नहीं लिखी जिससे कि भगवान के भक्तों को आनंद मिल जाए उस कथा को सुनकर। क्योंकि जब तक भगवान के भक्तों को कथा सुनकर के आनंद प्राप्त नहीं होगा ना, तब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं हो सकती। तब तो उन्होंने कहा, तो मैं क्या करूं? अरे भगवान की भक्ति तो ऐसी है प्रभु, आप जानते नहीं, भगवान की भक्ति ऐसी है कि मुझ दासी पुत्र को। तब नारद जी ने अपने प्रथम जन्म को बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरा जन्म हुआ वैसे ही मेरे पति का, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी का देहांत हुआ, परिवार वालों ने मेरी माता को घर से निकाल दिया। अरे तूने नपुता पुत्र पैदा कर दिया, पुत्र के पैदा होते ही अपने पति को खा गई। मेरी माँ ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, एक साधु संतों की कुटिया में आकर के सेवा करने लग गई। उन साधु सेवा में मैं भी रहता था, कथा सुनता, और जो झूठन बच जाती संत महात्माओं की, उस झूठन को भोजन करके मैं अपने जीवन का निर्वाह करता। जीवन का निर्वाह करते करते एक समय जब साधु लोग उस आश्रम को छोड़कर के अन्यत्र जाने लगे, मैंने उनसे हाथ पकड़ के कहा मुझे भी साथ ले चलो। साधुओं ने मना कर दिया, तुम्हारी माता का मात्र तुम ही आश्रय हो, तुम इस तरह अपनी माता को अकेले छोड़कर के नहीं जा सकते। जब तक तुम्हारी माता इस संसार में है, आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा करना भी पुत्र का कर्तव्य होता है। पुन्नाम नरका जायते पुत्र, पुत्र का मतलब क्या होता है? जो पुन्नाम का जो नरक होता है ना, उससे त्रायण करने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए पुत्र का जन्म होता है, इसलिए उसको पुत्र बताया गया। अब पहले तो पुत्र, अब पुत्र में से बेटा, अब तो बेटा में से क्या हो गया? सन हो गया। बोलो राधे राधे। और पहले तो पिताजी, और पिताजी में से पिताजी तो कौन? जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हमारे हमको पढ़ाया लिखाया, वो तो कौन थे? पिताजी। बोलो राधे राधे। और पिताजी में से कौन हुए? पापा। पापा का मतलब जानते हैं? नहीं जानते? हम बता देते हैं। बोलो राधे राधे। जिनके पाप का ही भाग है वो पापा। अब पापा में से कौन हो गए आपको पता है? डेड। कौन हो गए? डेड। अब देखो ये वैसे तो हिंदी शब्द तो है नहीं, अंग्रेजी का शब्द डेड, और डेड का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मरा हुआ। तो जिंदे माता पिता को जिसने डेड बना दिया, तो वो क्या सेवा करेगा? बोलो राधे राधे, है ना। और पहले का हमारा शब्द क्या था? पिताजी, माताजी, अब तो डेड। पिताजी तो डेड हो गए और माताजी हो गई मोम। अब मोम हो गई तो मोम क्या करेगी? बिदाई जलती रहेगी, जलती रहेगी। क्या करेगी माता? जलती तो रहेगी। मोम का क्या काम होता है? जलती रहना, तो तुम्हारे लिए प्रकाश देती रहेगी और कोई काम की नहीं है बेचारी, है ना। बोलो राधे राधे। इसीलिए माताजी को माताजी और पिताजी को पिताजी होना चाहिए। हमारी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए अपन लोगों को, जो पाश्चात्य जो संस्कृति हमारे देश में प्रवेश कर रही गई है ना, उससे हमारी हिंदू संस्कृति का परायण हो रहा है, नष्ट होती जा रही है प्राय। हमारे पहनने ओढ़ने से लेकर के खाने पीने के ढंग बदल गए। पहले तो भोजन किया जाता था, पंगत कराई जाती थी, समुचित रूप से सब लोग भोजन परोसते थे, और आजकल तो खड़े खड़े चप्पल जूता पहन करके खड़े खड़े भोजन होता है, पपर सिस्टम चालू हो गया साथ। और जिसके शादी में, जिसके आयोजन में अगर पपर सिस्टम नहीं है ना, हाँ क्या क्या कुछ नहीं, परसने के लिए व्यवस्था थी, कोई कुछ कह रहा है कुछ कर नहीं कर रहा है।
ऐसा हमारी पाश्चात्य सभ्यता ने जो हमारे देश में प्रवेश कर लिया है ना, तो हमारी हिंदू संस्कृति नष्ट होती जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से जब लीला चल रही, सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, तो नारद जी कहते हैं, माँ मेरी, अब संतों ने तो मुझसे कह दिया तुम्हारी माँ जीवित है तब तक आपको संन्यास नहीं लेना। मैंने माता की सेवा की, एक बार रात्रि का सायंकाल का समय मेरी माता दूध धोने के लिए गई माता, और माता जी को सर्प ने डस लिया, उनका देहांत हो गया। एक तरफ से तो मैं खुश हो रहा था कि बढ़िया रही मेरी माता चली गई, अब मैं कम से कम भजन तो करूँगा, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए मैंने झूठे आंसू भी बहाए। क्यों? अभी सब लोग कहेंगे देखो इसकी माँ मर गई, हंस रहा है। तो मैंने माता के रो मरने पर मैं थोड़े झूठे मूठे आंसू बहाए, और मेरे मन में तो बहुत खुशी थी कि अब मेरी माता चली गई, मैं भजन कर सकूंगा भगवान। माता की मैंने और देख क्रिया की, क्रिया करने के पश्चात जिस प्रकार संतों ने मुझसे कहा, मैंने अपने मन में भगवान का नाम स्मरण किया, जंगल की ओर चला गया, और वही दासी पुत्र जन्म करते करते भगवान का भजन करते 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 करते, कहते हैं ना एक घाट पर रस्सी भी खींचते खींचते मारा, इतनी चिकनी हो जाती है, इतनी चिकनी हो जाती है कि क्या बताऊं, मार्बल का पत्थर भी फीका पड़े उसके सामने, है ना। तो रहमन चालते चालते भूत चीखते पाओ, ऐसी कहावत है गांव की। तो घिसते घिसते भजन करते करते जपात चित्र ही संशय, मैंने इतना जप किया, इतना भजन किया कि आकाशवाणी हुई, और मुझको आकाशवाणी के द्वारा बताया गया कि हे नारद, तुम जिस भगवान को प्राप्त करना चाहते हो वो भगवान तुम्हें शरीर में नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपका अगला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। तो नारद जी भगवान को बताते हैं कि भगवान के भजन में इतनी शक्ति है, भगवान के कीर्तन में इतना आनंद है कि मेरा जन्म वही दासी पुत्र, आज ब्रह्मा जी का पुत्र पैदा हो गया बन करके, और आज संसार में कहीं भी, चाहे तो स्वर्ग हो, चाहे दैत्यों का घर हो, चाहे देवताओं का घर हो, या पृथ्वीलोक हो, मैं स्वच्छंद विचरण कर सकता हूँ। तो आप भी भगवान की कोई ऐसी लीला लिखो, ऐसी कथा लिखो जिससे कि सारे भक्तों का मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, तब तुम्हारी आत्मा में संतुष्टि मिलेगी। तब तो उन्होंने गंगा जी सरस्वती माता में स्नान किया, स्नान करते भगवान के लिए ध्यान किया और भागवत कथा की स्तुति की, भागवत कथा का निरूपण किया गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब उन्होंने सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों से, जब उन्होंने भागवत का निरूपण किया, गणेश जी को आमंत्रण किया गया लिखने के लिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लिखेगा कौन। गणेश जी ने एक शर्त लगी कि अगर मैं लिखूंगा तो मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे गुड़ श्लोक लिख दिए व्यास जी महाराज ने, तो गणेश जी को सुनने में, सोचने में, लिखने में एक एक दिन का समय लग जाता, और जब तक एक दिन का समय लगता तो व्यास जी महाराज स्नान कर लेते, स्नान शौच संध्या वंदन करके निवृत्त होके आया थे, तब तक वो उसी श्लोक में पड़े रहे। ऐसे ऐसे श्लोकों का गान किया। सबसे पहले भक्तों की कथा आती है। नारद जी ने जब इस प्रकार से अपनी कथाएं कही, सुखदेव जी कहते हैं श्री सोनकादि ऋषियों से, सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, वह भी भगवान के परम लाडले भक्त थे। सोनकादि कृष्ण ने पूछा, प्रभु सूत और सोनकादि का संवाद चल रहा है, तो उन्होंने पूछा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवत कथा क्यों सुनाई, क्या कारण रहा। राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा थे, हमने सुना उनको श्राप लग गया था, इतने धार्मिक राजा होते हुए, इतने कर्मनिष्ठ राजा होते हुए, इतने वैदज्ञ राजा होते हुए भी उनको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, क्यों? तब वो कहते हैं कि भगवान की महाभारत के समय पर जो लीला चल रही थी, भ्रकोदरा वृद्धि गदा विमर्श
भगनोरु दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सुंदर महाभारत का प्रसंग आया जिसमें युधिष्ठिर ने अपने पांच चारों भाइयों के साथ, पांचों भाइयों ने मिलकर के कौरव की विशाल सेना को हरा दिया। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई, पड़ा हुआ था भूमि पर। रात्रि का समय, क्लेश हो रहा था। उस समय अश्वत्थामा आया, उससे पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो, रुदन क्यों करते हो? तब दुर्योधन ने कहा, भैया देखो, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, मुझे उसका दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि पांडव के पुत्र 5 थे और 5 के 5 जीवित थे, जबकि हमारी सेना में 20 पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महादानी कर्ण, सब एक से एक महारथी थे, फिर भी सारे के सारे मारे गए। तो उसने कहा अश्वत्थामा ने कि देखो भाई, तुमको बुरा तो लगेगा मित्र, लेकिन मैं एक बात कह दूं आपसे कि आपने जो अपने सेनापति रखे थे ना, तो मन से तो पांडवों के साथ ही थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो या द्रोणाचार्य हो या कर्ण हो। आपने मुझको कभी अपना सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन ने अपनी बहते हुए खून की जंगा में से अपने हाथ को बिगाड़ा और उसके मस्तक पर तिलक कर दिया, कहा, मैं जीवित हूँ तो मेरा प्रधान सेनापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। तुम जाओ, किसी एक पांडव को भी मार करके ले आओगे तो मैं तुम्हें अपनी मित्रता के ऋण से ऋण कर दूंगा। रात्रि का समय, भगवान की लीला ऐसी कि भगवान की लीला तो ऐसी रहती है, कुछ भी करते हैं ना तो भगवान लीला करते रहते हैं। भगवान ने लीला के माध्यम से पांडवों को घुमाने के लिए ले गए। इधर पांचों पांडव पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्रों को उलूकल न्याय से मार दिया। उनके सर को लेके दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने जैसे टटोला और सर को जबरदस्ती हाथ से मसला तो वो फूट जाता है। दुर्योधन अंधेरे में भी पहचान जाता है, ये पांडव के सर नहीं हो सकते, तुमने क्या किया, ये तो हमारे पांडव पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन को वरदान था, जब तुमको दुख और सुख बराबर प्राप्त होगा तभी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। तो उसको दुख सुख तो ये हुआ कि तुम पांडवों को मार करके ले आए, और जब उसको ये मालूम हुआ पांडवों की जगह पर पांडव के पुत्र मारे गए, तो उसको दुख हुआ, वहीं दुर्योधन का प्राण तो जाता है। अश्वत्थामा अब घबरा गया कि मैंने पांडव पुत्रों को मार दिया, पांडव जीवित हैं तो अर्जुन मुझको जीवित नहीं छोड़ेगा। वह उस स्थान से भाग गया। जैसे सुबह हुआ, माता द्रौपदी ने जाकर के अपने कक्ष में देखा, एक पुत्र नहीं, दो पुत्र नहीं, 5 के 5 पुत्र बिना सर के पड़े हुए हैं। माता द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। माता द्रौपदी को इतना क्लेश हुआ, हाँ मेरे पुत्र को मार गया, पता नहीं किसने मार दिया, सोते सोते हुए मेरे अज्ञान पुत्रों को मार दिया, अरे किस पापी ने मारा है, मुझको तो यह भी मालूम नहीं। भगवान श्याम सुंदर आए। श्याम सुंदर ने अर्जुन को इशारा किया, अश्वत्थामा के अलावा और किसी ने नहीं मारा। अर्जुन ने प्रण किया कि मैं भी कुछ ही क्षण में जाकर के अश्वत्थामा को बंदी बना के लाऊंगा। देवी तुम रुदन मत करो, जिस अश्वत्थामा ने हमारे सोते हुए पुत्रों को मारा है, मैं उसको अभी मृत्यु दंड आपके सामने दूंगा। श्याम सुंदर को आदेश दिया, रथ को भगाया और भाग करके जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उनमें युद्ध भी हुआ, ब्रह्मास्त्र भी चलाया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र से टकरा करके शांत हो गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और द्रौपदी के पास लेकर गया। द्रौपदी से पूछे, देवी आप बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। देखिए मेरे भगवान श्याम सुंदर ने देवी द्रौपदी को शकी कह के संबोधन किया, तो उसके वचन देखिए। आज भारत की सर्वश्रेष्ठ नारी का जो गौरव प्राप्त किया माता देवकी द्रौपदी ने,
वो इसी कारण से क्या किया, जिसके पांच पांच पुत्रों को मारने वाला व्यक्ति उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। अर्जुन ने कहा इसका क्या करना चाहिए, तो देवी द्रौपदी बोलती हैं, मुच्यता मुच्यता मेसा ब्राह्मणों तराम गुरु। हे अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो इसको, मुझको इसको नहीं मारना। अरे यह तो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण तो जन्मना जायते गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से गुरु होता है, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लग जाएगी। देखो मेरे पुत्र मारे गए कोई बात नहीं, मेरे पति तो जीवित है ना, लेकिन आप जानते नहीं आपके गुरु द्रोणाचार्य जी तो युद्ध में मारे गए, वह उनकी जो उनकी पत्नी है ना, द्रोणाचार्य की पत्नी, वो तो अपने पुत्र को देख करके जीवित है, अगर तुम उसके पुत्र को भी मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएगी बेचारी। और ये तो आपका गुरु पुत्र है ना, तो गुरु पुत्र भी तो गुरु पुत्र, गुरु का भाव रखना चाहिए गुरु पुत्र में, क्योंकि जो गुरु का पुत्र होता है ना वह भी हमारे लिए गुरु के समान ही मान्य माना जाता है। छोड़ दो। देवी द्रौपदी ने छोड़ने की कहा, भीम कहते हैं छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। अर्जुन के लिए संकट खड़ा हो गया, क्या करें। भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर क्या करें बताओ तो। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहना मये भो भय मामनाती पर पाया अनुशासन। हे अर्जुन या ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कितना भी बड़ा बड़ा पापी हो, ब्राह्मण कितना भी बड़ा दुर्गुणी हो, ब्राह्मण कितना भी बड़ा दोषी हो, लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। और आतताई बदारहना, और इसने काम तो बधकाई किया है, क्योंकि सोते हुए पुत्रों को मारा है, तो उसको मार दो। भगवान की बात सुनकर के और भीम ने ढाका मार के कहा, भैया केशव तुम जैसे दो चार अगर सलाह देने वाले हो गए तो हो गया कल्याण। एक तरफ कहते हो ब्राह्मण है मारो मत, और दूसरी तरफ कहते हो सोते हुए बच्चों को मारा है इसको छोड़ दो। ब्राह्मण को मारो मत और सोते हुए बालकों को मारा है तो छोड़ो मत, दोनों बात कैसे हो सकती है कन्हैया, कभी तो तुम सीधी बात कर लिया करो, क्योंकि हमारे कन्हैया टेढ़े हैं ना, हमेशा टेढ़ी बात करते हैं, उनके भक्त उनको इसी नाम से पुकारते हैं, तू टेढ़ा हो तेरी टेढ़ी रे कंवरिया, है ना। तो भगवान कन्हैया कभी सीधी बात नहीं करते। तो अर्जुन समझ गए थे, क्योंकि उन्होंने गीता का उपदेश धारण किया था कि ब्राह्मण को मारना ही बद नहीं होता। प्रियम च पपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम नान्योस्तोति दैहिक। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और उस व्यक्ति को समाज में अपमानित करके अगर सभा से धक्का दे करके भगा दिया जाता है तो वह भी मृत्यु ही मानी जाती है। मृत्यु से तो व्यक्ति एक बार मरेगा, लेकिन अपमानित करके सभा से बाहर भगा दिया तो एक बार नहीं, हर क्षण 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 वो मरता ही रहेगा, हजारों लाखों बार मरना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताई बदारहना। अर्जुन ने उसकी मणि को निकाल लिया, उसको मुंडन संस्कार करवा करके धक्का दे करके अपने यहां से बाहर भगा दिया। जिस प्रकार एक सर्प का सर नहीं कुचला हो और आपने बीच से काट दिया हो, तो सर्प का सर भी बदला लेके के फुंकार करता हुआ आपको ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज उसको अपमानित कर दिया तो अश्वत्थामा भी पांडवों से बदला लेने के लिए उद्यत हो गया। उसके मन में आया कि मैं पांडवों से बदला कैसे लूं, फिर ढाका मार के हंसने लग गया, अरे मैंने तो सबको मार दिया, उनके कुल में तो पानी देने वाला भी नहीं है, अब तो कोई बचा नहीं है।
फिर ध्यान आया, अरे अरे नहीं नहीं, जब अभिमन्यु मारा गया था तो उत्तरा ने उसमें अग्नि समाधि नहीं ली थी, सती नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि उसका गर्भ था। उत्तरा के गर्भ में आज पांडवों की संतान है। उसने प्रभु से ब्रह्मास्त्र का संधान करके और उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। आज मेरे श्याम सुंदर द्वारका जी के लिए जाने के लिए रथ पर जैसे सवार हुए और मेरे श्याम सुंदर रथ पर चढ़ने ही वाले थे, एक पैर तो रथ पर रख लिया, दूसरा पर अभी भगवान का भूमि पर है। उतने में उत्तरा चिल्लाती हुई चीखती हुई भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए आ गई। बाहि बाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाई पाई, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, रक्षा करो रक्षा करो, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। जो आपकी एक बार शरण ग्रहण कर लेता है प्रभु आप उसको अभय प्रदान कर देती हैं, लेकिन मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं मांगती आपसे। नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, प्रभु भले मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आपके रक्षित पांडव लोग हैं, पांडवों का बीज मेरे कोख में पल रहा है और मुझे लगता है मेरा बीज नष्ट हो जाएगा, पांडवों का बीज नष्ट हो जाएगा, तो आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। आज चिल्लाती हुई उत्तरा के इस प्रसंग को भगवान श्याम सुंदर ने सुना। कामम धातु माम नाता मामे गर्भे निपातिताम, हे प्रभु मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तब मेरे श्याम सुंदर ने एक अंगुष्ट मात्र रूप धारण करके उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश होकर के और भगवान गदा से उसकी रक्षा की। रक्षा करके भगवान एक रूप में तो बाहर खड़े रहे, दूसरे रूप में उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। तो भगवान परीक्षित के सहोदर भी भाई भी माने जाते हैं, क्योंकि एक ही गर्भ में पहुंच गए ना, तो भगवान का परीक्षित से सहोदर भाई का भी रिश्ता था। सुखदेव जी श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं, इस प्रकार राया परीक्षित का अवतरण हुआ। सब लोगों ने भगवान से याचना की, बड़ी प्रार्थना की, माता समय पाकर के माता उत्तरा के यहाँ पर नया परीक्षित का जन्म हुआ। लेकिन अब परीक्षित का जन्म हुआ, सब बच्चे पैदा होते रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। आज परीक्षित जी महाराज रो नहीं रहे, वो टुकुर टुकुर जो व्यक्ति देखता है उनको लेता है गोदी में, क्योंकि बच्चा नया होता है ना, पैदा होते ही बच्चे को सब लोग अपनी अपनी गोदी में रखते हैं और जैसे जैसे गोदी में लेते हैं तो छोटा सा बालक सबको टुकुर टुकुर देखता है, मानो परीक्षा कर रहा हो। वो सोचता है कि जिस गर्भ माता के गर्भ में जिस भगवान ने मेरी रक्षा की वो कहाँ है, तो उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस प्रकार परीक्षित जी का जन्म हुआ। सब लोगों ने भगवान से याचना करके अपने लिए वरदान मांगा। भगवान श्याम सुंदर द्वारकापुरी के लिए प्रवेश करते हैं। महाभारत के बाद सब लोगों ने वरदान मांगा, तो सबने सब वरदान मांगे, लेकिन माता कुंती ने वरदान मांगा, हे प्रभु अगर आप उसको कुछ देना चाहते हैं तो विपत्ति दे दीजिए। क्यों? कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पर ना। तो आप बताइए सच्चे मन से, जब सुख होता है डल्लब गद्दे पर आप सोते हैं एसी एयर कंडीशन कमरे में, तो क्या आपको भगवान की याद आती है? नहीं आती। एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता। और तपती हुई धूप में कल अपन परिक्रमा करके आए थे, तो ऐसा कोई एकादी व्यक्ति होगा जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं लिख रहा हो, अरे भगवान जल गए, अरे भगवान ये क्या कर दिया, है ना, तप गए। तो दुख में ही भगवान की आती है यार, सुख में कोई याद नहीं करता। सुख में दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को,
और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। जो सुख में सुमिरन करेगा तो उसके पास कभी जीवन दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। सुख में तो क्या कहते हैं, हमने किया, हमारी मेहनत का फल मिला, और दुख होता है तो भगवान ने दे दिया। बोलो राधे राधे, कहते हैं ना ऐसा। अगर अच्छी चीज बन गई तो हमारी माता बहन भी कहती है, अच्छा आज हमने बनाई, चाख के देखो। और जिस दिन किसी दिन नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, अरे भगवान मेरी मुद्दी मत की, वो तो ऐसा हो गया, उसके कारण हो गया, मेरा मन कहीं और लगा था, या बच्चे में लगा था, या सासू की बातों में लग गई, या कोई और काम करने लग गई। तो अपना अच्छा काम तो मैंने किया, और जो कुछ गलती हो गई वो भगवान ने पता नहीं कैसा समय लिया, हमारा तो समय बुरा आ गया। तो बुरा समय लाए तो भगवान, और अच्छे समय लाए तो हम, है ना। हम लोग कितने स्वार्थी हो गए, अपने काम को भी भगवान पे सौंप देते हैं। बोल राधे राधे। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने लीला के माध्यम से भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को भी सुंदर उपदेश दिलवाया, जिसमें राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यापक योगत, सारे धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण करवाया। सुखदेव जी कहते हैं, शुद्ध जी महाराज इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर की लीला को बताते हैं। और जब पांडव लोगों को इस प्रकार का भगवान श्याम सुंदर चले गए, अर्जुन उनको छोड़ने गए, उनको छोड़ने गए, भगवान श्याम सुंदर का धराधाम से जाने का समय आ गया। और जब समय आ जाता है ना, तो पांडव लोगों ने क्या किया, अपने पुत्र राजा को, पुत्र जनमेजय को राज्य सौंप दिया, राजा परीक्षित को राजा घोषित कर दिया। इधर अर्जुन लौट करके आए द्वारकापुरी से, उसका मुखमलिन देखा, युधिष्ठिर ने उसने कहा, अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम्हारा मुखमलिन क्यों है। तो भगवान श्याम सुंदर के सुधाम जाने की बात जैसे अर्जुन ने कही, माता कुंती ने अपने शरीर का उसी समय परित्याग कर दिया। अपने पुत्र परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी सौंप करके सारे पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। इधर हस्तिनापुर का सारा संचालन राजा परीक्षित जी महाराज करते हैं। एक बार उनके मन में हुआ, जाकर के राज को देख करके आऊं, मेरा राज कैसा चल रहा है। वहां पर जाकर के देखा, एक गौ को मारता हुआ, एक गौ और वृषभ खड़े हुए हैं, उनको प्रताड़ना कर रहा है काला कलूटा व्यक्ति। उसने उसको बाण निकाल करके मारने के लिए उद्यत हुआ, वह उनके दीनहीन होकर के शरण में आ गया और कहा, प्रभु मैं कली हूँ, मेरा कलयुग मेरा समय आ गया, मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, मैं तुमको अपने राज्य में नहीं रखना चाहता। तब कलयुग ने कहा, प्रभु अगर आपका राज्य छोड़ दूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, सर्वत्र तो आपका राज्य है, आप कुछ जगह तो मुझको दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को चार जगह स्थान दे दिया, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मा चतुर, जहां पर जुआ खेलता हो, जहां पर शराब मदिरा पान किया जाता हो, जहां पर हिंसा होती हो, और यहां पर वैश्यगामी होती हो, इन चार जगहों पर कलयुग को परीक्षित ने वास दे दिया। तब परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा, प्रभु आपने मेरे गुण को, अवगुणों को देख करके तो मुझे ऐसी गंदी गंदी जगह दे दी, लेकिन मैं आपसे मना नहीं करता, ठीक है मेरे लिए भी ठीक है घर, लेकिन मेरा एक गुण बहुत अच्छा है। राय परीक्षित का कौन सा गुण अच्छा है, तो उनका यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। जो अन्य युगों में तपस्या करने से, यज्ञ करने से, भगवान का यजन करने से फल प्राप्त नहीं होता था, वह मात्र कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु मेरे में एक गुण अच्छा है, तो एक घर तो कम से कम अच्छा दे दो, जो मैं उसको ड्राइंग रूम बना सकूं, इसमें मेरा आया हुआ प्यारगत अतिथि हो, उसकी सेवा कर सकूं, है ना, एक घर तो अच्छा दे दो। तब
जब उसके गुण पर हमारे परीक्षित जी महाराज रीत जाते हैं, उसको बोल देते तुम बताओ कहाँ चाहिए, तब उसने बोल दिया कि मुझको सोने में बांस और दे दो। राजा परीक्षित ने बिना सोचे समझे कह दिया ठीक है जाओ तुम्हारा सोने में बांस। अब बताइए गीता भागवत तो कहती है धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान स्वयं कह रहे हैं धातुओं में सोना मेरा रूप है। अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद, वृक्षों में अस्वस्थ पीपल का वृक्ष मेरा रूप है, देवर्षियों में नारद मेरा रूप है, किम पुरुषाणाम हनुमांश्च किम पुरुषों में हनुमान मेरा रूप है, विद्या नाम सुदर्शन विद्याओं में महाविद्या सुदर्शन मेरा रूप है, धातु नाम मस्त कांचनम धातुओं में सोना मेरा रूप है। भगवान कहते हैं इस बात को, और आज राजा परीक्षित ने कलयुग को बांस दे दिया। अच्छा एक बात बताएं सभी माता बहनों के लिए है ये बात, जो जो सोना पहनते हैं सबको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सोने में कलयुग बांस करता है, कलयुग बांस करता है ना। और कलयुग का काम क्या है आपको पता है, कलह करवाना लड़ाई करवाना है ना। तो हमारे भैया लोग तो कमी है वो लड़ाई करते हैं, देवियों में नहीं बनती है, बोलो राधे राधे, सही बात है कि नहीं है। भाई तो ये आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करके चल सकता है, लेकिन हमारी देवियों में नहीं बनती है। उसका मुख्य कारण आप जानते हैं क्या है, सोना, क्योंकि आप सोना पहनती हैं, और आपको पता है सोने में कलयुग वास करता है। तो आज से सभी देवियां संकल्प करो कि हम सोने के लिए अपने पति से जिद नहीं करेंगे। कौन कौन संकल्प करेंगी बताओ हाथ उठा करके, बोलो राधे राधे। देखो हमारी देवी बिल्कुल ऐसे हाथ और नीचे और घुमा और लिए कि कोई उठा के जबरदस्ती से नहीं कर दे। पंडित जी सोने की मत कहना बस। आज हमारी पड़ोसन ने एक मंगलसूत्र छोटा बनवाया तो हमारे तो दो वाले मंगलसूत्र होना चाहिए, दो वाला है ना, दो बिंदा वाला मंगलसूत्र, जिद हो जाती है आपस में। अरे उसकी तो अलग अलग तरह की झुमकियां हैं, हमारे लिए तो एक ही लाके रख दी है। मैं तो काम वाली बाई मानी रखी है, तुमने क्या क्या है मेरे लिए, 10 वर्ष हो गए मेरे ब्याह को, आज तक तुमने कोई सोने की चीज लाके दी मुझे। यही बात पक्की होती है देवियों की, और इसी के कारण उनके मन में लड़ाई उत्पन्न करने की शंका आ जाती है। बोलो राधे राधे, क्यों कलयुग में कल की वास करता है सोने में। लेकिन सब लोगों ने ये बात कही सुनी, सबको अच्छा नहीं लगा। भगवान अब आप कहते हैं भगवान वास करते हैं सोने में, और एक तरफ से कहते हैं कलयुग वास करता है, तो कहा गया इसमें कुछ संशोधन तो करो। तो संशोधन किया गया संतों के द्वारा, तो जो ईमानदारी का सोना है ना, जो मेहनत ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें तो भगवान वास करते हैं, और जो बेईमानी से चोरी चकारी से छीना झपटी से द्वेष करके किसी का पैसा लूट मार करके जो सोना खरीदा जाता है उसमें कलयुग वास करता है। अब किसी सज्जन ने कहा भगवान ईमानदारी से तो कौन सोना खरीद सकता है, भाव ही इतना सर पे चढ़ गया है। बोले राधे राधे, कोई व्यक्ति है ऐसा जो ईमानदारी से कमाए और वो सोना खरीद सके, है ना। एक तोले में महाराज 60,000 का ही लगा है राधे राधे, तो बिना ईमानदारी का तो कोई सोना खरीद नहीं सकता, तो उसका क्या संशोधन करना चाहिए। तब हमारे ऋषियों ने एक और संशोधन किया उसने कि संसार की कोई भी वस्तु है आप भगवान को निवेदन कर दो, भगवान को अर्पण कर दो, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। आप भोजन करते हैं भोजन बनाने का दोष, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कईयों जीवों की हत्या हो जाती है, तो भोजन बनाने के पश्चात मेरे श्याम सुंदर का भोग लगा दो, वो भोग लगा करके उसको सारी सामग्री मिला करके भोजन कर लो, तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा।
आप कोई भी चीज यूज करते हैं तो पहले भगवान का मंदिर मकान बनवाते हैं ना, तो मकान में भगवान के लिए पहले एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, और भगवान का मंदिर बनवा दोगे भगवान पधार जाएंगे उसमें, तो वो तुम्हारा मकान नहीं रहेगा, भगवान का मंदिर बन जाएगा। आपने कभी वृंदावन गए? वृंदावन कौन कौन गया हाथ बता दीजिए। राधे राधे। कोई नहीं गया आप लोगों में से वृंदावन? अरे आपके पति देव है ना, नंबर वन के कंजूस है। बोलो राधे राधे। बताइए आपको एक बार भी वृंदावन नहीं ले गए? लड़ाई करानी पड़ेगी भैया। क्यों? हमने देखा दो दिन हो गए, हमारे जजमान जी से हमने कहा आरती में जो जजमान आएगा बिना पत्नी के आरती नहीं करेगा, क्योंकि जजमान पत्नी भी बराबर की हकदार होती है, बिना पत्नी के आपका यज्ञ अधूरा होता है। फिर भी हमारे जजमान अकेले रुंड रुंड से आके खड़े हो जाते हैं आरती के लिए। हैं? ये अच्छी बात नहीं है, धर्म के विपरीत बात है ये। तो देवियों को भी चाहिए तीर्थों का दर्शन करें, भगवान की आराधना करें। राधे राधे। कहाँ चल रही थी अपनी कथा? कहाँ चल रही थी? सोने पर है ना, तो जो भी सोना है उसको भगवान को अर्पण कर दो, जो भी वस्तु है भगवान को अर्पण कर दो, तो उस वस्तु का आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि पहले भगवान पर चढ़ा दी। तो अब ऐसा करिए, हम बोल रहे हैं आप लोग चढ़ा दीजिए, किस किस को दोष नहीं चाहिए। राधे राधे। कोई माता है ऐसा जो सोना नहीं पहनना चाहती है, वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। अरे कोई एक हाथ तो उठ जाओ भैया। अरे राम आप तो समझ रहे हैं, पंडित जी लेकर के बटोर करके बांध करके ले जाना चाहते हैं ना। अरे हम सदा के लिए चढ़वाने के लिए नहीं बोले आपसे, हम तो बता रहे हैं अपने घर में भी ठाकुर जी पर चढ़ा देना एक बार, और ठाकुर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद आप धारण कर लेना, तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। आज ऐसे ही परीक्षित जी महाराज ने जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, सर पर धारण कर लिया, तो आज उनके मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई, शिकार खेलने के लिए चले गए। श्रमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, आश्रम पर पहुंच करके उन्होंने श्रमिक ऋषि के गले में एक मृत सर्प को डाल दिया। उन्होंने सोचा संत झूठा है, झूठी समाधि, मुझको देखकर किसने ढोंग करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। संत भी सच्चे, समाधि भी सच्ची, राजा तो चले गए। श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने देखा मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान राजा ने किया, राजा परीक्षित बड़ा अपने आप को अपमानी मानता है, मैं श्राप देता हूँ आज के सातवें दिन तक्षक नाग के धसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को इस प्रकार श्राप लगा। रोते रोते श्रमिक ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र को रोते हुए देखा, पूछा बेटा क्या हुआ? रोने के कारण पुत्र तो कुछ नहीं बताया पाया, उसके सहपाठी मित्रों ने उनको सारा वृतांत बता दिया कि आपके गले में राजा परीक्षित मृत सर्प डाल गए, आपके पुत्र ने गुस्सा में आकर के उसको श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा दुख हुआ, हे पुत्र तुमने बहुत बड़ा अनाचार कर दिया, आज के बाद भारत वर्ष में ऐसा यशस्वी राजा कभी नहीं मिल सकता, तुमने बहुत घोर अनर्थ कर दिया बेटा, ऐसे महात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया, जाओ एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, उसको आदेश दिया जाओ जाकर के राजा को सचेत कर दो, आज के सातवें दिन तुमको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तुम अपने लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो कर लीजिए। जब यह बात राजा परीक्षित को सुनाई गई, राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को राज सौंप दिया, सारे राजपाट को छोड़ करके गंगा तट पर पहुंच गए सुताल में, और जाकर के सारे ऋषि महर्षि वहां पर उनको उपदेश करने लग गए। कोई कहता है महामृत्युंजय कर लो, कोई कहता है कुछ कर लो, कोई कहता है देवी भागवत कर लो, कोई कहता है शिव पुराण कर लो। सबके देखते देखते ऋषियों के बीच भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप साक्षात सुखदेव पहुंच जाते हैं। तत्राद्भवद् भगवान व्यास पुत्रो यद्यक्षया गामटमानो न पेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो
कृष्णालय रवदूत साक्षात भगवान व्यास पुत्र बनकर के पहुंच गए हो। साक्षात भगवान व्यास पुत्र सुनते भगवान की हरि की कथा सुनाने वाले। देखिए अपने बीच में भी सुखदेव भगवान का आगमन हो गया है। कितनी सुंदर बट झांकी सुखदेव भगवान की, इनको विराजमान करवा दें और हमारे यजमान के द्वारा पूजन करवाया जाए इनका। और सभी यजमान जिनको श्रद्धा भाव से पूजन करना है एक एक करके आएंगे। पहले प्रधान यजमान पूजन करेंगे। राधे राधे शपथनीक यजमान को बुलाया जाए। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले हमको मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
विष्णु सिंह सागर अक्षित्र भागवत पाठा को राधे। आप लोग भी चुप चाप अपना बैठे, कम से कम हाथ जोड़ लें। जिनको नाचना गाना नहीं आता कोई बात नहीं, कम से कम हाथ जोड़ के भगवान का आगमन करें, भगवान अपने बीच में आया पूजन कर लेंगे। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी लोग ताली में हाथ जोड़ें। लाखों प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, मार्ग बताने वाले, मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जा बैठे हो मल में, हम भूल रहे थे बचपन
हाँ जी राधे 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 राधे। हाँ जी भजन चलता रहेगा इधर और आप लोग सुखदेव जी का पूजन करेंगे एक एक करके माता बहन भाई बंधु जो पूजन करना चाहे सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरा अंतर्यामी तू पलक डाक तोहले हो नाम देखूं और को ना तोह देखन दे हो। ओ तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। सभी लोग ताली बजाते हुए बीटी बीटी। तू मेरा यार है। किस किस का यार है मेरा बांके बिहारी दोनों हाथ उठा करके। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे चार दिन से भोजन नहीं मिला है क्या। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए एक दो तीन। तू मेरा यार है मेरे साथ साथ में बोलेंगे मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला
जीवन अब तेरे हवाले है, जीवन अब तेरे हवाले है, जीवन अब तेरे हवाले, ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले है, जीवन अब तेरे हवाले है, जीवन अब तेरे हवाले, तेरे हाथ इस जीवन इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, माता बहने हटती जाए क्यों भैया, वो लोग भी खड़े हुए हैं पूजन के लिए, एक एक करके सभी लोगों को मौका दिया जाए। मेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ माना एक बार हाथ गा दीजिए दोनों, किस किस ने अपना माना है। अच्छा हाथ गाने कहते तब तो उठा देते हो है ना, और जब नाचने गाने का नाम आता है तो नीचे हाथ कर लेते हो। ताली हाथ नीचे नहीं गिरना चाहिए, दोनों हाथ उठे उठा के ताली बजाते हुए। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। देखो आपको भी गाना पड़ेगा हमारे साथ साथ, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, हमने संगीत वालों ने अपना गला भी खराब कर रहे हैं। एक तो हमारे माइक वाले भैया बहुत सुंदर हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, है ना, और दूसरे आप लोग साथ में बोलेंगे। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, और तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम। हम भक्तों को बस तुमसे ही
ही प्यार है, प्यार है। हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का कौन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने हुए, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जिन लोगों ने पूजन कर लिया है हट जाएं, और जिन लोगों करना है कर लें, नहीं तो सभी लोग खड़े होकर के भगवान श्याम सुंदर ने किस किस से हाथ थाम लिया, सभी लोग खड़े हो जाएं। राधे राधे। जब से सांवरे ले पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ले पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हरे जब सा, वो तो रहता मेरे हरे जब सा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ले पकड़ा मेरा हाथ, मेरी बल्ले बल्ले। पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा वो कद्र मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा वो कद्र मेरा पल में सवारा है, डूबी हुई बस्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई बस्तियों को दे दिया किनारा है, ओ मेरे हो गए, ओ मेरे हो गए निराले खार, ओ मेरे हो गए निराले खार, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ले पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हरे मेरे साथ, वो तो रहता हरे नाम मेरे साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ले पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जो भक्त नाच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर बाकी तो कम से कम ताली तो बजा दो भाई। नाचना नहीं है जिनको, कम से कम ताली बजा दो। साथ ही तो नाचने वाले का हमारा बोले बाकी बिहारी लाल की। Thank you.
पाता है। सावरे के बिना मुझे कोई नहीं पाता है। ओ सावरे के बिना मुझे कोई नहीं पाता है। मेरा मेरे सावरे से प्रेम का नाता है। ओ मेरा मेरे सावरे से प्रेम का नाता है। बंदी सांवरे ने बांदी सांवरे ने बांदी सांवरे से प्रेम की ये बात हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता हर दम मेरे साथ। मेरी बल्ले बल्ले वो जब से सांवरे ले वो जब से सांवरे ले हो जब से सांवरे ले पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ले पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बलवा के बिहारी लाल की सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। 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 वो बिगड़े हुए किस्मतों की बदल देता रहता है। वो बिगड़ी हुई किस्मतों के बदलते होता है। और जो भी मेरे सामने दीवाने हैं जरा खड़े हाथ करके बताओ। जो मेरे बाबा के दीवाने हैं वही खड़े हाथ करेंगे और जो नहीं है उन्हें मत करना। उठा के दोनों हाथ कहते हैं अब तो मौज के कटे हैं दिन रात हो गई मेरी बल्ले बल्ले सांवरे में पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरे बल्ले बल्ले। वो तो रहता हर दम मेरे साथ। वो तो रहता हर दम साथ। अरे वो तो रहता हर दम मेरे साथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले परीक्षित जी सपत्नी का आरती के लिए पधार। ओम दीपम प्रज्वाल्य ज्वालामाले नमः। ओम रत्नेश्वरे नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायत। ज्वालामाले नमः। गंधार्थ पुष्पाण समर्पयामि। आरार्तिक्यम नीराजनम च। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरे मोर
करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवल भवन फसे नाव मेरे तार तो भगवल करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवल भवन फसे नाव मेरे तार तो भगवल हो दर्द की दवा तुम मेरे पास है दर्द की दवा तुम मेरे पास है ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूं मैं आकुल तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोच तब भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुमसे क्या मैं यही सोच तब भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा हो चिंता है तुमको प्रभु संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणे गान करे छेड़ वेणा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणे गान करे छेड़ वेणा ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं तेरी मूर्ति गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती